मजा आएगा ना भिड़ो। सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है गाइज हमारे नए वीडियो में और हमारे चैनल ट्रैकस्टार गेमिंग में। तो गाइज आज का थंबनेल और जो ऊपर मैंने मॉन्टेज लगाया था गाइज, उससे देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ज़िगज़ैग मूवमेंट के बारे में। अगर नहीं पता कि यार ज़िगज़ैग मूवमेंट क्या होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको आगे वीडियो में बता ही दूंगा कि अगर ये ज़िगज़ैग मूवमेंट क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके साथ वन टैप मार सकते हो, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे अगर आप ज़िगज़ैग मूवमेंट करते हो अपने गेम प्ले में, और क्यों जो है बड़े बड़े जैसे प्लेयर होते हैं ना, लाइक राइ स्टार हो गया या जैक FF हो गया, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर रहते हैं, सारे प्लेयर्स जो है क्यों अपने गेम प्ले में जो है ज़िगज़ैग मूवमेंट का यूज़ करते हैं। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बिना स्किप करेगा इस पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको बहुत आगे काम में आएगा। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो गाइस स्टार्ट करेंगे इस वीडियो। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट होगा यहाँ पे, व्हाट इज़ ज़िगज़ैग मूवमेंट और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब क्यों ये ज़रूरी है और क्या होता है ज़िगज़ैग मूवमेंट, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो गाइस ज़िगज़ैग मूवमेंट क्या होता है ना, कि आपने बहुत सारे प्लेयर्स देखे होंगे लाइक जो कि जिन जो भी बहुत बड़े बड़े हैं, लाइक राय स्टार हो गए, जैक FF हो गए, जो बाहर के जितने भी सर्वर के होते हैं, अपने भी जितने भी प्रो प्लेयर्स रहते हैं, जो वन टैप वगैरह का मॉन्टेज डालते हैं गाइस, वो किस तरीके से आपने देखा होगा कि यार कभी भी किसी भी एनिम को मार रहे हों उससे पहले गाइस वो ज़िगज़ैग मूवमेंट करते हैं, यानी कि इधर से लेफ़्ट साइड टू राइट साइड जाते हैं और फिर उस एनिमी को मारते हैं, और सेम मारने वन टैप मारने के बाद भी वो इस तरीके का ज़िगज़ैग मूवमेंट करते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो गाइस इसके जो है बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पे निकल के आते हैं और सारे प्रो प्लेयर्स इसको यूज़ करते हैं। तो अभी मैं सेकेंड टॉपिक में यही बात करूँगा कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो गाइस किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके एडवांटेजेस पता होने चाहिए कि यार उस ट्रिक के एडवांटेज क्या होंगे और किस तरीके से आप उससे उसकी वजह से आपके गेम प्ले में फ़र्क आएगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ ये मतलब बंदे इनको क्यों यूज़ करते हैं, जो भी जितने प्रो प्लेयर्स रहते हैं बाहर का सर्वर के या अपने भी जो मॉन्टेज वाले प्लेयर रहते हैं, वो जो है ज़िगज़ैग मूवमेंट का क्यों यूज़ करते हैं। तो भाई इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बहुत, और ऐसे वैसे बेसिक फ़ायदे नहीं होते कि आपका मूवमेंट बढ़ जाएगा ये हो, इसके अल्टीमेट लेवल के फ़ायदे होते हैं और ये बहुत ही है। तो सबसे पहला फ़ायदा इट मतलब कि इसकी वजह से गाइस अगर आप ज़िगज़ैग मूवमेंट करते हो तो उसकी वजह से सामने वाले जो एनिमी रहेगा उसका रिकॉइल बढ़ जाएगा गाइस, मतलब कि अगर आप ज़िगज़ैग मूवमेंट करके उसके सामने जाओगे ना गाइस, तो वो उसकी जो गोलियां रहेंगी वो बहुत ज़्यादा मिस हो जाएंगी, वो आपकी बॉडी पे लगेंगी नहीं, आपके बॉडी पे कोई भी गोली लॉक नहीं होगी। ठीक है ठीक है। अब सेकंड नंबर फ़ायदे की बात करते हैं, वो भी इससे ही रिलेटेड रहेगा, वो रहता है यहाँ पे कि वो कभी भी आपको हेडशॉट नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो आपका हेड रहेगा अगर आप ज़िगज़ैग मूवमेंट करोगे तो आपका हेड राइट टू राइट साइड हमेशा चलता रहेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि कभी भी गाइस उसकी गन जो है आपका हेड नहीं पकड़ पाएगी। अगर मतलब लकली उसका अगर गलती से मतलब ये टुक्का उक्का लग गया तभी उसका हेड लगेगा, नहीं तो उसका हेड नहीं लगेगा। बहुत बड़ा फ़ायदा है गाइस ये, कभी भी वो वन टैप नहीं मार पाएगा। ठीक है, अब और फायदों की थर्ड नंबर फ़ायदा रहेगा कि आप इजीली गाइस किसी भी एनिमी को डच करना सीख जाओगे आप, इससे जो आपकी मतलब एनिमी को चकना देने की जो मतलब जो स्किल रहेगी ना वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, आप इजीली जो है एनिमी को चकमा देके वहाँ से निकल सकते हो और यहाँ बिना ग्लू वॉल के भी एनिमी से इजीली शॉर्ट रेंज में फाइट ले पाओगे, समझ रहे हो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर आप कह सकते हो कि इससे आपके थोड़े बहुत वन टैच की मतलब वन टैप मार, अगर आप इसके साथ जो है वन टैप मारना सीखते हो ना गाइस, ज़िगज़ैग मूवमेंट करके वन टैप मारना सीखते हो, तो इससे आपका मूवमेंट स्पीड गाइस मैक्स लेवल तक चला जाएगा, आपको खुद में ही महसूस होगा कि यार मेरा मूवमेंट स्पीड कितना ज़्यादा हो गया, उसके साथ मैं वन टैप भी मार पा रहा हूँ और ज़िगज़ैग मूवमेंट भी कर रहा हूँ। अगर आप इतना ज़्यादा वो हो जाओगे ना गाइस, आपको अगर आने लग जाएगा ये, तो आपका कॉन्फिडेंस गाइस 200% भी ऊपर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके। तो इसलिए गाइस सबसे पहले इसकी आप ट्रिक पे बात करते हैं। तो थर्ड नंबर पॉइंट रहेगा, तो आपको इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो सबसे इसको कुछ भी नहीं गाइस, बहुत इजी है, मतलब आपको सुनने में बहुत इजी लगेगा बट आप करने की कोशिश करोगे तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा, सबसे पहले बताता हूँ ये किस तरीके से होगा। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं है गाइस, आपको जो आपकी स्क्रीन रहेगी ना गाइस उसको ज़िगज़ैग मूवमेंट में घुमाना है। अब मैं गाइस एक और यहाँ पे टॉपिक कवर कर लेता हूँ, वो ये रहेगा कि जो आपकी स्क्रीन रहती है गाइस, स्क्रीन जो रहती है गाइस,
उसमें गाइज हर पॉइंट पे अलग अलग सेंसिविटी होती है गाइज। अगर आप स्क्रीन के थोड़ा मतलब ज़्यादा लेफ्ट साइड में चले जाओगे ना तो आपकी सेंसिविटी कम हो जाएगी, और बीच में अगर आप इस स्क्रीन के मिडिल में अगर उसको रोटेट करने की कोशिश करोगे तो आपकी सेंसिविटी ज़्यादा होगी। तो हमेशा गाइज आपको जो है बीच वाले पोर्शन जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस बॉक्स के थ्रू ही जो आपको अपनी स्क्रीन को रोटेट करना है, जिस तरीके से आप करते हो ना स्क्रीन को रोटेट, इस पोर्शन पे अगर आप रोटेट करोगे तो जल्दी आपकी स्क्रीन रोटेट होगी, ठीक है। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है, वो रहेगा यहाँ पे स्प्लिंटिंग वाला बटन। तो जो आपका स्प्लिंट करने वाला बटन रहता है ना गाइज, इसका साइज़ आप ज़्यादा बढ़ा लेना, क्योंकि गलती से भी अगर आप स्प्लिंट मिस फायर करते हो, जैसे कि आपने स्प्लिंटिंग करने वाले बटन के बदले जो है यहाँ पे साइड में क्लिक कर दिया, तो उसकी वजह से होगा क्या कहना कि जो जो आपका जो कैरेक्टर रहेगा वो रुक जाएगा, क्योंकि आपने मूवमेंट वाले बटन जो है ऑटोमेटिकली वहाँ जाएगा, और इसकी वजह से आपका कैरेक्टर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना हो सके गाइस स्प्रिंटिंग वाला बटन गाइस पूरा फुल कर लेना, जिसकी आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और ईजिली जो है आप स्प्लिंट कर जाओगे और भाग पाओगे, ठीक है, एग्जैक्ट मूवमेंट कर पाओगे, ठीक है। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है, तो सिंपल है गाइस, आपको जो है कुछ भी नहीं करना, आपने अपने जो जो स्क्रीन रहती है उसको गाइज लेफ्ट टू लाइट राइट टू लेफ्ट करके ऐसे भगाना है, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ ना गाइज, इस तरीके से आपको अपने मतलब स्क्रीन को भगाना है, और आप इसको अगर भगाना इसको भगाते ऐसे ही रहना है गाइज, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है, चलो गाइज उसमें वैसे भगाने में कुछ भी नहीं था, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस कैसे करना है तो अब मैं बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो उसमें कुछ भी नहीं है गाइज, आपको यहाँ पे जो है एक जल्दी से गाइज उसको पहले भगाना है, उसके बीच में ही आपको वन टैप देना है, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ उसमें ही बीच में ही आपको वन टैप की प्रैक्टिस करनी है। और जैसे ही वन टैप दिख जाए तो स्प्लिट करने वाले बटन को प्रेस करके गाइज फिर से जो आपको जिगजैग मूवमेंट करना है, तो इस तरीके से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से सारे बंदे जो है वन टैप मारते हैं, जितने भी आपके रजिस्टर वगैरह हैं, ठीक है। तो अब आपको जो है इसकी प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप चाहो तो शॉटगन, एक दो शॉटगन लेकर जो है आप इधर आ जाना, किधर जो आपका जो भी लॉबी रहती है ट्रेनिंग रूम की लॉबी पे जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जल्दी से गाइस ऐसे जो पोल्स लगे रहते हैं ना गाइस, इन पोल्स को आपको एनिमी मान के जो है इन पे शूट करना है यहाँ पे, तो आपको इन पे पहले शूट करने से पहले भी जिगजैग मूवमेंट करना है, और शूट करने के बाद भी जिगजैग मूवमेंट करना है। और इन पोल्स के आप हाइट साइड से निकल सकते हो, ऊपर से निकल सकते हो, ऐसे कर करके लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर करके आपको इनको डच करने की कोशिश करनी है। ये पहले गाइज आपको 10-10 मिनट करना है, हाँ ठीक है गाइज, अगर आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हो तो 10 मिनट जो है ट्रेनिंग ग्राउंड की लॉबी के अंदर ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ऐसे पहले करके डच करने की कोशिश करनी है, फिर ऐसे करना है, फिर जो है लेफ्ट टू राइट मूवमेंट दिखाना है, फिर एक बार वन टैप मार के फिर से वन एग्जैक्ट मूवमेंट दिखाना है, ठीक है। अब इतना अगर आपने 10 मिनट कर लिया, उसके बाद आपको जो है सीधा कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आ जाओ गाइस ट्रेनिंग रूम के अंदर, मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ जाओ, और मतलब जो बैटल ग्राउंड रहता है उसमें आ जाओ, ठीक है। अब ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर भी गाइस आपको एनिमीज़ को मारना नहीं है गाइस, अगर आपको वन टैप मूवमेंट वन टैप हेडशॉट आता है तो आप मार सकते हो, बस वन टैप हेडशॉट आप कब मारने की सोचो गाइस, रहने ही दो, मैं तो कहता हूँ गाइस शुरू बात में रहने ही दो कि आप जो है एनिमी को उसको मारो गाइस ग्राउंड में, आपको कुछ नहीं करना गाइस, एनिमीज़ के सामने जाके ना उनके सामने जाके जिगजैग मूवमेंट करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से जिगजैग मूवमेंट आप जो है प्रैक्टिकल में कर सकते हो, ठीक है। उनके उनके सामने जाके आपको जिगजैग मूवमेंट करना है, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, देखो एनिमी मेरे को मार नहीं पा रहा गाइस, देखो उसकी गोलियाँ रिकॉइल हो रही हैं, वो इजिली मेरे को मार नहीं पा रहा, ठीक है। और आपको अगर वन टैप आता है तो आपको वन टैप आना है तो गाइस उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और वन टैप हेडशॉट, और आप चाहो तो गाइस वन टैप हेडशॉट के साथ इसको ट्राई करके देखना, जिस तरीके से मैंने बताया यहाँ पे, देखो मैंने भी मारा इस बंदे को और मैंने कितनी इजीली इसको वन टैप हेडशॉट मार दिया, इस तरीके से आपको वन टैप मूवमेंट करके जो है हेडशॉट मारने का ट्राई करना है। तो होप्स हो कि आपको इस समझ में आया होगा, और अगर आप इस तरीके से मूवमेंट करके हेडशॉट मारने की ट्राई करोगे तो ट्रेनिंग में जो है आपको पहले ट्राई करना है। अब जैसे ही ट्रेनिंग में परफेक्ट हो जाओ, तो परफेक्ट भाई टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ, अगर आप ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद ट्रेनिंग में जैसे ही आप परफेक्ट हो जाओ तो उसको आप रैंक क्लैश कॉर्ड में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी से गाइस इसको रैंक और क्लैश कॉर्ड में यूज़ करने की गलती बिल्कुल मत करना। तो होप्स हो कि यार आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, ये वीडियो यहीं तक था गाइस, इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए जितने भी वन टैप हेडशॉट के ऊपर मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा, और लगा है तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते,
जिसकी वजह से चैनल पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो तब तक के लिए मिलते हैं गाइज अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।